सुनाई दे रहा है? यस मैम। हाँ सुनाई दे रहा हाँ सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों ने आज समय निकाल के यहाँ पे आए स्पेशली सर डॉक्टर सत्य कुमार का। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो विंध्य इकोलॉजी नेचुरलिस्ट फाउंडेशन एक मिर्जापुर में काम करने वाली एक संस्था है जो वन्य जीवों को लेके और पारिस्थितिकी को लेके काम कर रही है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है 2012 में सेटअप हुआ था, उसके बाद से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी इकोलॉजी और बायोलॉजी की जो पढ़ाई है उसके जो प्रिंसिपल्स हो ऐसे हम लोग आम लोगों के लिए फायदे का कुछ है। आप लोगों ने देखो हम लोगों का विंध्य बचा कुमार जी, हम लोगों ने कई केस भी फाइल करे, हम लोग काम भी करते हैं। मिर्जापुर में हम लोगों ने वाइल्डलाइफ के लिए काफी सारा काम किया, जैसे कि हमने अभी कैमरेटर में एक्सरसाइज किया था, बहुत सारे स्पीशीज नई स्पीशीज हमने लोगों में डाला। इस तरह से कई सारे आपके अंडर स्टडीड अंडर आप कह सकते हैं नेग्लेक्टेड स्पीशीज हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, और ये सब बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग हेल्थ की बात करते हैं और आपकी पर्यावरण की बात करते हैं, लेकिन उस तरह की इकोलॉजी की बात नहीं करना जरूरी है। तो मेरी वॉइस नहीं आ रही है शायद, जस्ट एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है साफ? बाकी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जो बाकी स्पीकर्स हैं वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो इसी सिलसिले में हमने अभी दो हफ्ते पहले वल्चर्स के ऊपर हमने टॉक ऑर्गेनाइज किया था, उसमें डीओ को कैमूर जो ये को थे वो आए थे वहां पे, और अभी ये दूसरा टॉक हमने ऑर्गेनाइज किया है। डॉक्टर सरित कुमार जो है आश्चर्य नंदन कॉलेज है डीओ में, वहाँ जूलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर है और मैं भी इनका स्टूडेंट रहा हूँ, और वो एक्सपर्ट है आपकी एंटमोलॉजी में, मतलब की जो ज्ञान है उसको लेकर उन्होंने कई सारे लैंडमार्क स्टडीज कर रही है, जैसे कि मलेरिया कैसे कंट्रोल करना है यूजिंग डिफरेंट इंसेक्ट्स और बाकी डिफरेंट केमिकल प्लांट केमिकल्स, इस तरह के बहुत सारे काम कर रही है इंसेक्ट्स पे। और मेरी समझ में उनकी जो एक्सपीरियंस है उससे हम लोगों को सीखने की जरूरत है कि लोकस्ट जो है, क्योंकि अभी लोकस्ट स्वाम का मेरी लाइफ टाइम में पहली बार मैं इतना तेजी से न्यूज में इतना आ रहा है कि इतना लोकस्ट स्वाम पहले कभी नहीं जहाँ हो रहे थे उस समय में भी लोकस्ट स्वाम हो रहे हैं, डॉक्टर सरित कुमार शायद। तो उस सिलसिले में सोचा कि लोकस स्वाम के बारे में कहीं भी कोई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है नहीं, अगर कोई आम आदमी जानना चाहे कि लोकस स्वाम क्यों होते हैं, टिड्डे जो है इतने झुंड के झुंड हजारों किलोमीटर में उड़ के आ रहे हैं, कि कोई ऐसा चीज है जिसके बारे में, ये हर साल होता ही है राजस्थान गुजरात में ये होता है, अंग्रेजी टाइम से ही चीज होती आ रही है, और इसके कई सारे इसके समाधान भी सुझाए जाते हैं कई बार, कई सारे सरकारी योजनाएं भी इसके ऊपर है, एक लोकस मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन जो जिस मसले में बात नहीं हो रही वो है कि लोकस स्वाम है क्या, और क्या ये टिड्डे जो आम टिड्डे वही चीज है या उससे अलग है। डॉक्टर सरित कुमार शायद ऑफलाइन हो गए हैं, उनके लिए वेट करना पड़ेगा, इंटरनेट की दिक्कत हो गई है। कैन यू हियर मी? हेलो, यस 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 वी कैन हियर यू। या सो मैंने पीपीटी ऑन कर दिया है, मैं आपका म्यूट हो रखा है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हेलो, हाँ पहले तो फिर हाँ दे बात हो, थैंक यू वेरी मच कि मुझे आप बुलाया तुमने एंड मुझे इस टॉपिक बोलने का मौका दिया। एंड तो आज हम बात करेंगे टिड्डी के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है आज काफी प्रकोप चल रहा है, सो ये बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने चूज किया टू लेने, क्योंकि आजकल हम बहुत तरह की गाँव से उलझ रहे हैं, कभी कोविड आ जाता है, कभी अम्फान आ जाता है, और कभी अब ये टिड्डी दल। तो आज हम पहले थोड़ा समझेंगे कि ये टिड्डी होती क्या है, कितनी इंडिया में कितनी तरह के स्पीशीज प्रेजेंट हैं और उनका क्या
क्यों स्वाम में कन्वर्ट हो जाती है, क्यों आता है दल, हर साल क्यों नहीं आता, कभी कभी क्यों आता है? सो लेट मी ट्राई. एक्चुअली कुछ लोग इंग्लिश में बोलने के लिए कह रहे हैं, बट आई थिंक दिस टॉक इज इन हिंदी, सो आई विल ट्राई टू यूज मिक्स्ड लैंग्वेज, राइट? सो शुड आई स्टार्ट? सो टिड्डी जो है वो एक तरह का ग्रास ऊपर है. ग्रास ऊपर तो सबने देखा ही होगा, ग्रास ऊपर जो कि घास में मिलता है, पत्तियों को खा जाता है. तो ये एक तरह का ग्रास ऊपर है जो कि अपने आप को, उसका बिहेवियर फर्क हो जाता है. तो टिड्डी और ग्रास ऊपर में एज सच कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है. थोड़ा सा एंटीना, आप इंसेक्ट्स के बारे में शायद जानते होंगे कि इंसेक्ट्स में एक एंटीना होता है, एंटीना जो कि जिससे कि वो आसपास की चीजों को सेंस करते हैं. उनके हेड पर ऐसे दो स्ट्रिंग की तरह निकले होते हैं एंटीना. सो दोज एंटीना थोड़े छोटे होते हैं टिड्डी में ग्रास होकर के कंपेरिटिव. बाकी उनके अंदर चेंज आ जाता है बिहेवियर में, तो उसको हम टिड्डी बोल देते हैं. Let me tell you कि वर्ल्ड वाइड कम से कम 10,000 के ऊपर प्रजातियां हैं, लेकिन जो एक्चुअली है वो 10 प्रजातियां हैं जो कि मेनली कॉमन है. इफ यू कैन स्विच ओवर टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हैव 10 स्पीशीज विच आर कॉमन. And abhi, you can see in the slide, there are desert locusts, jo aajkal kaafi attack aaya hua hai, Bombay locust. Can you switch over the slide, please? So, there are 10 kinds of locust, Bombay locust, Italian locust, Morocco locust, ऑस्ट्रेलियन लोकस्ट, डेजर्ट लोकस्ट, पेड़ का लोकस्ट, लाल रंग का लोकस्ट, साउथ अमेरिका का लोकस्ट. सो देर आर मेनी काइंड ऑफ लोकस्ट जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट है. आप ये देखिए, ये सब मरुभूमि है, प्रवाजक जो कि माइग्रेट, प्रवाजक मीन्स जो एक जिसको माइग्रेटरी बोलते हैं. बॉम्बे पेड़ की लाल की भूरी, सो बहुत तरह के लोकस्ट है. लेकिन ये जो 10 प्रजातियां हैं ये प्रमुख हैं जो कि दुनिया में, इनमें से जो पहली चार है जो ये देखिए, ये मिलती हैं सिर्फ भारत में. भारत में और कोई प्रजाति नहीं मिलती है. तो आप ये देखेंगे इसमें डेजर्ट लोकस्ट है, मरुभूमि है टिड्डी, प्रवाजक टिड्डी, माइग्रेटरी लोकस्ट, एक है बॉम्बे लोकस्ट और एक है पेड़ का लोकस्ट. तो आप देख सकते हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आपको देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी जिकली भी फर्क है, कलर में भी फर्क है. सो दीज आर दी ओनली 4 स्पीशीज जो कि इंडिया में अवेलेबल है. अब इनमें जो आज जो मेन है वो है मरुभूमि टिड्डी और डेजर्ट लोकस्ट जो कि सबसे ज्यादा अटैक करता है इंडिया में और आजकल बहुत ज्यादा फैला भी हुआ है. डेजर्ट लोकस्ट उसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो डेजर्ट में ब्रीड करता है और डेजर्ट में उसकी पूरी लाइफ साइकिल चलती है. ज्यादा करके टिड्डियां डेजर्ट में ही मिलती हैं. आपको टिड्डियों के बारे में कुछ मालूम है, कुछ उसकी बायोलॉजी क्या हो जाता है कि वो 2 तरह के फेजेस में होते हैं? तो वो हम आज जो भी है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो जो लोकस्ट है, वैसे तो जैसे ग्रास हो पर आपने देखा होगा अलग अलग तरह से रहता है. एक सॉलिटरी बोलते हैं जिसको, एक अपना इंडिविजुअल है, उसको दूसरे इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है. सो टिड्डियां भी एक तरह से इंडिविजुअल ही होती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो एकदम से झुंड में आ जाती हैं और फिर वो अटैक करते हैं. तो वो कारण क्या है, वो दोनों में फर्क क्या है, वो आज हम जानने की कोशिश करते हैं.
तो सॉलिटरी टिड्डी आप प्लीज सी, पहले हम उसकी थोड़ा सा लाइफ साइकिल देख लें, टिड्डी होती क्या है। सो आप ये देख रहे हैं स्लाइड में कि दोनों मेल फीमेल दे अंडरगो कॉपुलेशन, एंड जो फीमेल होती है वो मिट्टी के अंदर एग लेइंग करती है। मिट्टी के अंदर कम से कम 10 सेंटीमीटर अंदर तक वो जाके अपने अंडे देती है, और एक बारी में उस जो अंडे होते हैं वो कम से कम 80 से 100 के बार अंडे देती है। जो जो अंडे देती है वो एग पॉड्स बोलते हैं उनको, क्योंकि वो ग्रुप में होते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वो कैसे ग्रुप्स में होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उसके ऊपर कुछ झाग सा आ जाता है, फोमी टाइप हो जाता है, जो उसको कवर कर देता है उनको अंडों को, और वो अंडे फिर उसमें से निकलते हैं इमेच्योर स्टेजेस, जिसको हम बोलते हैं निम्फ। निम्फ बिल्कुल एडल्ट की तरह होता है, सिर्फ ये फर्क होता है कि उसमें एक तो विंग्स नहीं होते, वो उड़ नहीं सकते, और उनमें रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो रिप्रोडक्शन वो नहीं कर सकते। तो उसमें से जब ये देखिए, इसमें से ये अंडे हैं जो कि ग्रुप्स में होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज देवल। सो यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड दैट ये जो नीचे सॉइल में आपको दिख रहा है थ्रस्ट हुआ हुआ, ये एगलिंग चल रही है फीमेल, और जब फीमेल एगले करता है तो उसमें से फिर निम्फ निकल के आते हैं, जो रिगल होके ऊपर आ जाते हैं, सॉइल के ऊपर आ जाते हैं, और वो खाना शुरू कर देते हैं। क्या खाते हैं? जो भी उनको प्लांट मिलता है, पत्ते मिलते हैं, ज्यादा करके वीड्स, क्योंकि डेजर्ट में बहुत लिमिटेड तरह के प्लांट्स होते हैं, तो वो उन्हीं को खाना प्रेफर करते हैं। फिर वो जो निम्फ है, धीरे धीरे कम से कम उनकी 5 स्टेजेस होती हैं, और आफ्टर 5 स्टेजेस, उसमें जिसको हम एक स्टेज को इंस्टार बोलते हैं, फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, फोर्थ इंस्टार, ऐसे उनमें 5 स्टेजेस होती हैं, जिसके बाद वो फिर बन जाते हैं एडल्ट। ये सारी प्रक्रिया लेती है कम से कम 5-6 महीने तक, फिर वो जिंदा रहता है। तो पूरा ये जो लोकस्ट का है, ये एग से लेकर एडल्ट तक समझ लो 6-7 महीने तक प्रोसेस चलता रहता है। अब दुनिया में ये इस पर डिपेंड करता है कि कितने ब्रीडिंग साइकिल्स हैं। दुनिया में क्या है, 3 तरह के ब्रीडिंग साइकिल्स पाए जाते हैं। मींस ब्रीडिंग साइकिल्स मतलब कि लोकस्ट कब ब्रीड करते हैं, लोकस्ट कब ब्रीड करते हैं, जैसे कि विंटर्स में करते हैं, 3 तरह के होते हैं, समर्स में, विंटर्स में और स्प्रिंग में, 3 तरह की ब्रीडिंग होती है। विंटर्स जो दिसंबर टू फरवरी चलती रहती है, see this is the can you see the slides, बाकी सब देख सकते हैं slides? हाँ, कुछ लोगों का लिखा हुआ आ रहा है कि वो slides नहीं देख पा रहे हैं, so हाँ देख पा रहे, लोग शो देख पा रहे। so ये जो फिर nymphs जो adults हैं वो रहते हैं 4-5 तक जिंदा, 4-5 महीने, and उसके बाद ये देखिए, ये पूरी इसकी जीवन चक्र है, जो कि पूरा जीवन चक्र चल रहा है इनका। एग पॉड्स हैं, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, थर्ड, फोर्थ, 5 वीक्स तक ये सब चलता है, और फिर एडल्ट मैच्यूरेशन को टोटल 2 हफ्ते लगते हैं, और उसके बाद जो है वो 4-5 महीने तक जिंदा रहता है। अब ये जो लोकस्ट है और जो निम्फ है, उसको जो पौधा मिल जाए, जो प्लांट्स मिल जाए, उसको खाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या सिर्फ हार्मफुल है कि हमारे प्लांट्स को खा जाते हैं, या इनका कोई रोल भी है हमारे जीवन में, कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में? क्या कोई बोलना चाहेगा इस बारे में क्यों वो हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं? कोई बोलना चाहेगा इस बारे में? बोलना चाहता है वो अनम्यूट कर ले, फिर बोले। मैम ये इनसे, चलिए मैं बताती हूं, ये जो इसका जो इंपॉर्टेंस है, आपने पढ़ा होगा इकोसिस्टम में एक फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला, कि सब एक दूसरे को खाते हैं, तो वही इसका रोल है। ये पौधों को खाता है, इसको बर्ड्स खाती हैं,
ऐसे करके खाद्य श्रृंखला चलती रहती है और उसमें न्यूट्रिएंट्स एक से साइकिल से दूसरे में पास होते रहते हैं। तो इनका मेन काम है इकोसिस्टम का बैलेंस बना के रखना, एक उनका संतुलन बना के रखना, ये उनका है मेन काम। तो ये जब एडल्ट्स जनरली सॉलिटरी होते हैं, जब ये सॉलिटरी ग्रुप्स में बन जाते हैं तब हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो वहां से उड़ के कंट्री के अंदर घुस जाते हैं। और जितने पौधे हैं हर सिटी में, हर पौधा हर प्लांट उसकी पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, सो पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं, जिससे कि हमको होती है हार्म, पूरी हार्म हो जाती है। तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज देवादित्य। सो बेसिकली व्हेन दे टर्न इनटू सॉलिटरी टू ग्रेगेरियस, जो अकेला रहता है उसको हम सॉलिटरी फेस कहते हैं, और जो झुंड में रहते हैं उसको हम ग्रेगेरियस फेस कहते हैं, और बीच में उनके एक होता है इंटरमीडिएट फेस जिसको हम ट्रांजिएंट्स फेस कहते हैं। मतलब वो सॉलिटरी धीरे धीरे ग्रेगेरियस में कन्वर्ट हो जाता है और ग्रेगेरियस धीरे धीरे सॉलिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। बट होता क्यों है, क्या रीजन है? तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनके डिफरेंट रीजंस दिए हैं कि क्या रीजंस हो सकता है, बट हाँ जी प्लीज मैम, ये कह रहा हूँ कि बाकी लोगों को ना हम लोग टाइम बिटवीन मोल्टिंग इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, टेम्परेचर मतलब कि तापमान और ह्यूमिडिटी आर्द्रता, उस पे डिपेंड करता है कि एक निम्फ से दूसरा निम्फ मोल्ट करेगा, बट जनरली इट टेक्स अराउंड 1 week टू डेवलप एक इंस्टार से दूसरे इंस्टार। इज इट क्लियर? Okay, so now you can see this is the solitary and this is the gregarious. Can you see the difference? उन दोनों में आपको कुछ difference नजर आ रहा है? तो main difference जो है वो होता है color का। आप देखोगे जब gregarious और झुंड में हो जाता है तो उसका एक color हो जाता है, visible हो जाता है, otherwise एक brownish color के होते हैं, but जब gregarious होते हैं तो वो yellow color के हो जाते हैं और उनके immature stage pink color के हो जाते हैं। So उनका color variation हो जाता है। दूसरा आप देखेंगे साइज, जो ग्रेगेरियस है वो साइज में छोटा है कंपेयर टू सॉलिटरी, वो साइज में छोटा हो जाता है। तीसरा आप देखेंगे लेग्स, ये लेग्स जो आपको नजर आ रही हैं, ये लेग्स जो नजर आ रही हैं, इसमें आप ये फीमर में देखिए कितनी सारी मसल्स हैं, इसमें मसल्स और ये जो लेग्स में थोड़ी छोटी हो जाती है, लेकिन उनका ब्रेन बड़ा हो जाता है, ब्रेन बड़ा हो जाता है, उनकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, उनकी पावर बढ़ जाती है, उनका खाने का फीडिंग यू कैन से टाइम बढ़ जाता है और वो ज्यादा खाते हैं। आप ये देखेंगे ब्रेन में डिफरेंस, कैन यू सी द डिफरेंस इन द ब्रेन? सो ब्रेन जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, स्पेशली मिड ब्रेन जो बीच का है, एंड जो कि उसको मिड ब्रेन जब बड़ा होता है तो वो उसको एक अलग सी पावर प्रोवाइड करता है एंड उसकी ज्यादा फ्लाइंग। हाँ जी हेलो, बढ़ जाती है ये फ्लाइंग पावर, ज्यादा बढ़ जाती है और वो ग्रेगेरियस में ये चेंज आना शुरू होता है। हेलो, बट ग्रेगेरियस बनते क्यों है, कारण क्या है? ये माना जाता है जो सबसे प्रमुख कारण है जो कि साइंटिफिकली इसको माना गया है कि एक पेपर पब्लिश हुआ था नेचर में, उसमें उन्होंने एक डिस्कवरी की कि जब डेजर्ट्स में सूखा पड़ता है, ड्राउट्स आते हैं, बारिश नहीं होती, रेन लेस, तो ये उनके पास खाना कम हो जाता है बिकॉज प्लांट्स फ्लरिश, तो उनमें खाने के लिए वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू करते हैं, एक स्मॉल स्पेस में इकट्ठा होना शुरू करते हैं ताकि उनको फूड मिले। आपका म्यूट हो गया, उसको अनम्यूट कर लीजिए।
वीक सेरोटोनिन नाम से रिलीज होता है. सो दिस हार्मोन इज रिलीज और वो हार्मोन जो है और लोकस्ट को उनके पास लेकर आता है. तो वो झुंड धीरे 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 बढ़ता जाता है. अब ये जो झुंड है वो तब फर्दर आगे बढ़ता है जब सूखा खत्म होके और बारिश आ जाती है. तो जब बारिश आती है तो उनकी जो रिप्रोडक्शन है और उनकी जो साइकिल है वो बढ़नी शुरू हो जाती है. तो जब वो रिप्रोडक्शन उनकी बढ़ती है उनके इंडिविजुअल्स बढ़ जाते हैं, वो इतने सारे इंडिविजुअल्स हो जाते हैं कि उनके लिए खाना कम पड़ जाता है और वो फिर फ्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह फूड को ढूंढते हुए. ये हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर. क्या हुआ अभी हमारे यहाँ स्वाम आया, वो अफ्रीका से आ रहा है. हेलो, कैन यू हियर? आवाज आ रही है? आ रही है आवाज. हाँ जी. तो क्या होता है, ये हमारे पास जो स्वाम आए हैं वो अफ्रीका से आए हैं. लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ था, अफ्रीका में बहुत सूखा पड़ता है. मैम एक ना फीडबैक है, तो ये उनमें ये सेरोटोनिन और ये ग्रेगेरियसनेस स्टार्ट हो गई थी. लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, बहुत बारिश आई अफ्रीका में जिससे कि वो इतने फ्लरिश हो गए कि वो वहां से उड़ उड़ के दूसरी कंट्रीज में जाना शुरू हो गए. आप आई डोंट नो ये बार बार कैसे स्क्रीन है, मे बी टच हो जाता है. अब सुनाई दे रहा है? हेलो, यस, कैन यू हियर? यस मैम, यस यस यस. सुनाई दे रहा है आपको? ऑडिबल हूं मैं? हेलो, दे रहा है. हेलो, यस यस मैम, ओके. सो दे कम टुगेदर. आई विल एक्सप्लेन अगेन कि या तो जब ड्राउट पड़ता है कहीं पर भी, सूखा पड़ता है जब. हाँ जी, देखिए ये डेजर्ट में होते हैं ज्यादा. ये जो लोकस्ट का जो नेटिव ब्रीडिंग हैबिटेट है वो है डेजर्ट मरुस्थल. तो हाँ जी, तो जो राजस्थान का एरिया है, जो गुजरात का हमारा डेजर्ट एरिया है, जो पाकिस्तान का डेजर्ट एरिया है, अरेबियन कंट्रीज हैं, अफ्रीका में है, सारे डेजर्ट्स में लोकस्ट ब्रीड करते हैं. ठीक है, तो जब ये जो मैंने बताया कि ये जो हमारे यहाँ स्वाम है, ये रीजन ये है कि जो अफ्रीका में है वो दो साल पहले सूखा पड़ा था. जब सूखा पड़ता है तो प्लांट्स, आई डोंट, हेलो, आई एम नॉट, सो हाँ, तो प्लांट्स की कमी की वजह से क्या होता है, उसमें वो इकट्ठा हो जाते हैं. जब वो इकट्ठे आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ उनकी लेग रबिंग होती है, उनका एक फीचर है, वो एक दूसरे से हैप्पी होके लेग रबिंग करते हैं. तो जब लेग रबिंग करते हैं तो हार्मोन रिलीज होता है विच इज कॉल्ड सेरोटोनिन. देवदत्त, कैन यू चेंज द स्लाइड सेरोटोनिन वाली? सो दे रिलीज, हाँ चेंज द स्लाइड, या सो दे रिलीज द सेरोटोनिन. And serotonin is a basically happy hormone, so they become happier and or locust unke saath ikhatta hona shuru ho jata hai. To jab itne sare locust ikhatte ho jate hain because of the lack of the food availability, they start migrating ek place se dusre jagah mein. Iske saath saath kya hota hai, iske saath saath ye hua ki last year Africa mein itni barish hui, jitne hoti hai usse bhi kahin zyada barish hui, लंबी मंथ्स तक चली, एंड उस बारिश से उन वो और पनपने लगे, उनमें ब्रीडिंग और ज्यादा होने लगी, उनमें पॉपुलेशन और बढ़ने लगी. देन इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई
कि वो दिसंबर से माइग्रेट करना शुरू हो गए दूसरी कंट्रीज में. वो चले गए उधर अरेबियन कंट्रीज, फिर आ गए पाकिस्तान, फिर आ गए इंडिया. सो व्हेन दे केम टू द इंडिया, अभी आए इंडिया में, सो नाउ दे आर माइग्रेटिंग टू डिफरेंट सिटीज. आपको पता है राजस्थान में गए, गुजरात में गए, अब हमारे यहाँ था कि शायद दिल्ली में आ जाए, बट दिल्ली में शायद ना आए, वो यूपी की तरफ जा रहे हैं. बट वो इतनी दूर इसलिए आए, एक रीजन ये भी माना जाता है कि बंगाल में जो अम्फान आया, अम्फान की वजह से जो विंड थी इतनी तेज, वो विंड उसको यहाँ तक लेकर आई. क्योंकि जो लोकस्ट की विंड, जो लोकस्ट की स्पीड है और जो लोकस्ट का मूवमेंट है एक जगह से दूसरे जगह पे, वो जो लोकस्ट है वो मूव करता है बिकॉज ऑफ विंड स्पीड. तो जितनी विंड, ये देखिए ये सेरोटोनिन वाली स्लाइड है कि कैसे कैसे सेरोटोनिन रिलीज होता है. सो जब विंड स्पीड बढ़ती है तो विंड स्पीड के साथ लोकस्ट उधर की तरफ एक जगह से दूसरी तरफ मूव करना शुरू करता है. तो दिल्ली में वो ये था कि खतरा है, खतरा है, हो सकता है ना आए, हो सकता है आ भी जाए, बट सुना है कि वो यूपी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं. सो दिस इज द बेसिक रीजन. तो जलवायु में परिवर्तन, जो जलवायु में परिवर्तन जिसके हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि जलवायु में जो परिवर्तन है हम लेकर आ रहे हैं, इतना पोल्यूशन, ये वो, गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी की वजह से कई बार उनको कंडीशंस ठीक नहीं मिलती, और जब बारिश होती है तो उनकी कंडीशंस इतनी फेवरेबल हो जाती है कि वो एकदम से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं. सो दैट इज द रीजन कि टिड्डे झुंड में क्यों बनते हैं. और जब वो झुंड आता है तो वो इतना बड़ा झुंड आता है कि उसमें मिलियंस, 50 to 100 millions लोकस्ट होते हैं. इतने मिलियंस ऑफ लोकस्ट कि उनकी जगह ही नहीं है, और वो सब जगह घुस जाते हैं, घर के अंदर, ट्रेन के अंदर, किचन के अंदर, बेड्स के ऊपर, हर जगह यू विल सी लोकस्ट एंड लोकस्ट. क्योंकि वो खेतों में जाते हैं, खेतों को तो खत्म कर ही देते हैं, पूरा का पूरा झुंड. आप ये समझो 25 मिनट के अंदर पूरा खेत वो खत्म कर सकते हैं, इतनी बुरी तरह वो खेत पे अटैक करते हैं. और उसके बाद एक खेत खत्म हो जाता है तब उनको दूसरा खाना चाहिए, वो दूसरे खेत की तरफ चल देते हैं. सो धीरे 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 बढ़ते 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 वो पूरा कवर कर देते हैं, और इतना उड़ते हैं. और आप लोग को लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि जो लोकस्ट जो एक्टिव होते हैं वो सिर्फ दिन में होते हैं, रात में नहीं एक्टिव होते, सुबह नहीं एक्टिव होते. उस टाइम वो पेड़ों पर आराम करते हैं और कुछ नहीं करते, पेड़ों पर आराम करते हैं. देवल तो स्लाइड्स चेंज करो प्लीज. सो उस टाइम उनको रूस्टिंग पीरियड कहते हैं. और उस टाइम इट इज वेरी इजी टू कंट्रोल देम. कौन सा स्लाइड पे? उस टाइम उनको इजी हो जाता है. सो ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ प्रिडिक्शन, जो कि एफएओ, आपने सुना होगा एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको देखता रहता है कि कैसे चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, वो वार्न करता है. और हमारे यहाँ जो है वो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरा मॉनिटर करती रहती है, वो देखती रहती है कब लोकस्ट आ रहा है, कब लोकस्ट नहीं आ रहा, क्या डेंसिटी है, बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देती रहती है. अगर आने वाला है तो कहती है सब तैयार रहो, ये करना है, ये देखिए आप. कैन यू चेंज द नेक्स्ट स्लाइड, ग्राफ वाली, मैप वाली. हेलो, हेलो, स्लाइड कौन सा नंबर स्लाइड, गिव इट टू स्लाइड, चेंज करो प्लीज, स्लाइड नंबर, या फिर चला गया. एनीवेज, तो बेसिकली अभी प्रेडिक्शन क्या थी, जब 15 दिन पहले प्रेडिक्शन की थी एफएओ ने कि जो इंडिया में स्वाम अंदर तक नहीं जाएगा, वो गुजरात से ही टर्न हो जाएगा वापस. लेकिन ये हवाएं, जो अम्फान आया और जो हवाओं का रुख बदला, उसकी वजह से वो इंडिया के अंदर घुसता गया. दूसरी क्या प्रॉब्लम हुई, कोविड. जो ये कोविड-19 आया, लॉकडाउन की वजह से सब घर में बैठे हैं, उसकी वजह से कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं यूज हो रहा, कोई
इसका नेक्स्ट पे आओ, 14 पे आ जाओ। हेलो, लेट मी स्विच ऑन माय प्रेजेंटेशन, वेट। या यू कैन यू सी दिस इज द रूट, ये जो है ये आप डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, कौन सा लेवल हो जाता है। कहीं देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज और रेड और डिफरेंट कलर्स आप देख सकते हैं येलो। तो जो येलो कलर है वो इतना हार्मफुल नहीं है, जो कि थ्रेटेंड है, बाकी जो है वो हार्मफुल एरियाज हो जाते हैं। अब बैक बैक या दिस इज आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड नंबर 15 रूट दिस इज द, यहां से आता है पाकिस्तान से, ये गुजरात का एरिया है, वहां से आया राजस्थान में और इधर से गया मध्य प्रदेश में, बैक मध्य प्रदेश में। तो ये जितने रेड कलर के सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ये स्वाम्स हैं, ये स्वाम्स चल रहे हैं। और जो ऑरेंज कलर के बैक 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 हाँ, और जो ऑरेंज कलर के आपको दिख रहे हैं वो एडल्ट ग्रुप्स है, और जो येलो कलर के दिख रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट 15 नेक्स्ट सी द स्लाइड नंबर नेक्स्ट। तो दे हैव इन्वेडेड टिल मध्य प्रदेश तक इन्वेड कर चुके हैं, शायद इधर आएंगे, बट उनका रूट बदल रहा है। सो नेक्स्ट फील्ड देवादित्य, नेक्स्ट प्लीज। Can you hear me? There was yes, yes, I can hear you. Yeah. ये situation देखो 13-19 में की है, और ये हाँ, and this is हाँ 20th to 25th में, now 16th next. Okay. So next now. So yeah. हाँ जी, हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। कोई कुछ कहना चाहता है? यस मैडम, आर सो बेसिकली टिड्डियों का आता है प्रकोप, आता है एकदम बहुत मुश्किल से। शुड आई म्यूट माय वीडियो? यस। सो ये देखिए, ये जो आपको लाल रंग के दिख रहे हैं इसमें स्लाइड में, ये इनके शेड्यूल्ड एरियाज हैं जहां ये डेवलप होते हैं, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, सारे बाड़मेर, बिलौर, जितने भी राजस्थानी। तो टिड्डियां जो होती हैं, टिड्डियां बेसिकली क्या है, वो इतना उनका जो मैंने बताया था कि जो मध्यम मस्तिष्क उनका बड़ा हो जाता है जब वो ग्रेगेरियस हो जाती है, तो एक 100 से 150 किलोमीटर तक टिड्डियां उड़ सकती हैं, इतना ट्रेवल कर सकती हैं वो, और सिर्फ रात को और नाइट को, रात को और मॉर्निंग में वो आराम करती हैं पेड़। और उनका लेकिन जो एरिया है वो इतना बड़ा हो सकता है, सैकड़ों किलोमीटर तक वो ट्रैवल कर सकते हैं, एक दिन में इतना उड़ती है, बट टोटल एरिया वो सैकड़ों किलोमीटर कवर करती है, 40 मिलियन किलोमीटर तक वो कवर कर जाती है। और पूरी फसल जो मैंने आपको पहले बताया था 20 से 25, हाँ जी
सो पूरी फसल वो 20 से 25 मिनट बर्बाद कर देती है। और क्या है टिड्डियों के बारे में, टिड्डियां जो वो झुंड में चलती है, झुंड में चलती है। एक झुंड में कितनी टिड्डियां हो सकती है, एक झुंड में 15 करोड़ से ज्यादा टिड्डियां हो सकती है। इतनी टिड्डियां हो सकती है झुंड के अंदर एक दिन में। आप विश्वास नहीं करेंगे, जितना खाना 35,000 लोग खाते हैं उतना खाना वो एक दिन में खा जाते हैं। 35,000 लोग खाना एक दिन में खा जाती हैं। और पिछली अटैक आया था इंडिया में, वो आया था 1962 में। 1962 के बाद छोटे छोटे अटैक्स आए लेकिन ऐसा अटैक कभी नहीं आया। जो लोकस्ट के अटैक्स हैं वो तीन तरह के अटैक्स माने, वो तीन तरह के अटैक्स क्या है। एक तो हम कहते हैं सिंपल, जो छोटा अटैक है जो एक जगह सीमित है वो उसको बोलते हैं आउटब्रेक। वो एक बहुत छोटा होता है, उसमें इतनी टिड्डियां नहीं होती और वो एक लिमिटेड काइंड ऑफ अटैक होता है। और उससे बड़ा अटैक होता है उसको हम बोलते हैं अपसर्ज। अपसर्ज जिसमें थोड़ा सा स्प्रेड होता है, ढेर सारी टिड्डियां, बट स्टिल इट इज नॉट वेरी वेरी सीरियस। तीसरा जो अटैक होता है और प्लेग, प्लेग लोकस्ट का मतलब ही प्लेग है। तो लोकस्ट को प्लेग तब माना जाता है जब वो कंटिन्यूस पिछले साल भी अगले साल भी इतने एरिया में आता है कि वो बिल्कुल फसल बच ही नहीं सकती, उसको हम बोलते हैं लोकस्ट प्लेग। ठीक है, तो तीन तरह के अटैक्स होते हैं। तो इंडिया लोकस्ट प्लेग जो आया था वो आया था 1962 में लास्ट। उसके बाद लोकस्ट प्लेग नहीं आया है और ये एक्सपेक्टेड है कि ये प्लेग में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्लेग्स के भी कई साइकल्स हैं। एक 19 जो सबसे पहला आया था वो 1812 में आया था। तो इंडिया में जो लोकस के अटैक सबसे पहला अटैक स्टार्ट हुआ 1812 में। उसके बाद से हर कुछ साल बाद अटैक्स होते हैं। इसके पीछे एक और थियोरी मानी जाती है, इसको बायोटिक थियोरी ऑफ पीरियोडिसिटी। क्या थियोरी है, एक डॉक्टर प्रधान थे इंस्टीट्यूट में IRA में, उन्होंने 1967 में थ्योरी दी थी कि जो लोकस्ट है उनको मेनली कंट्रोल करते हैं उनके प्रेडेटर्स जो डेजर्ट में हैं, बर्ड्स हैं और जो बाकी प्रेडेटर्स हैं वो उन पे फीड करते हैं जिससे कि उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ पाती कि एक उस पॉपुलेशन जब प्रेडेटर मर जाते हैं या प्रेडेटर कम होते हैं बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल environmental conditions to predators, उस time because of the lack of the predators इनकी population इतनी बढ़ जाती है कि वो swarm में convert हो जाती है। So इसको हम बोलते हैं locust cycles, कि कुछ कुछ साल में आता है। आप ये देखिए 1812 में आया, फिर 1900 में आया, 43 में आया, 63 में आया और अब 62 में last आया plague। उसके बाद जो है locust का ये जो या जिसको बायोटिक थ्योरी ऑफ पीरियोडिसिटी है, सो ये माना जाता है कि हम बर्ड्स को या उनके प्रेडेटर्स को बचाएं तो वो हमें टिड्डी को बचाने में बहुत हेल्प कर सकते हैं, ये कहा जाता है। और दिस इज द थ्योरी। जो उसके बाद फिर सेरोटोनिन की थ्योरी आई, बहुत सारी थ्योरीज आई, तो लोगों के अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मानना है, अलग अलग उनके आंकड़े हैं, अलग अलग तथ्य हैं, उसके बेस पे अपना सब वर्क करते हैं। सो प्लेग आया, उसके बाद अपसर्ज आए 1964 में, फिर 1968 में, 70 में, 73 में, उसके बाद अपसर्ज आया लास्ट 97 में, और अब जो है वो अभी तक अपसर्ज है। इसको हम अपसर्ज मान रहे हैं जो कि प्लेग में कन्वर्ट हो सकता है। 1997 के बाद छोटे छोटे अटैक्स आए थे, बहुत छोटे छोटे अटैक्स आए, जो 2000 में आया, 2007 में आया, 2010 में आया, बहुत छोटे अटैक्स थे वो। उन्होंने इतना हार्म नहीं किया और इतना सीरियसली हार्म नहीं किया जो कि अब हो रहा है। सो दिस इज, आपको शायद मालूम हो लास्ट ईयर भी गुजरात पे अटैक हुआ था। सो ये जो है लास्ट ईयर भी अटैक हुआ, इस साल भी अटैक हुआ, तो ये धीरे 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 प्लेग में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब टिड्डियों को हम कैसे मारते हैं, क्या करें जब टिड्डियां आए। तो जो हमारे यहाँ इंडिया में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है LWO, वो सारा मॉनिटर करती है और वो देखती है कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेजर्ट में कितनी ब्रीडिंग हो रही है, क्या वो स्वाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्वाम में कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या वो चल रहे हैं, दिल्ली
किधर बाहर निकल रहे हैं गुजरात से या पाकिस्तान से जब आ रहे हैं तो किस टाइम आ रहे हैं, तो वो सब वॉच करती है और उस पर वो बुलेटिन निकालती रहती है कि अब क्या स्टेटस है, अब क्या स्टेटस है, एंड बेस्ड ऑन दैट स्टेटस प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। ये जो LWO है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेड ऑफिस है वो है फरीदाबाद, फरीदाबाद में है, और इसका एक जो फील्ड काइंड ऑफ ऑफिस है वो है जोधपुर में। बाकी इसके 10 सर्कल्स हैं जगह जगह, एक बीकानेर में, बाड़मेर में, ऐसे 10 सर्कल्स हैं, और जिनको हम आउटपोस्ट भी कहते हैं, जहां से वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर वो इंफॉर्मेशन पास होती है टेक्निकल यहाँ पर जोधपुर में, फिर जोधपुर वाले इंफॉर्मेशन देते हैं फरीदाबाद वाले सेंटर में, और वो पूरी इंफॉर्मेशन कंपाइल करके एंड वो प्रिपरेटरी चीजें करना शुरू हो जाते हैं कि हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल। तो जब कंट्रोल की प्रॉब्लम आती है, सबसे पहला किसानों को कहा जाता है शोर करो। आपने सुना होगा थालियां बजाते हैं, बैंड बजाते हैं, डीजे बजा रहे हैं, नगाड़े बजाते हैं, वो उससे क्या होता है, उससे लोकस्ट उनकी फसल को खराब नहीं करते, वो उड़ जाते हैं। बट वो तो एक अपनी फसल को बचाने का तरीका है, वो लोकस्ट को कुछ नहीं कर रहा, लोकस्ट रूट डाइवर्ट करके कहीं और चले जाते हैं, किसी और के फार्म में चले जाते हैं। सो शोर से सिर्फ लोकस्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, वो उनको इतनी मारता नहीं है, और यू कैन से वो उनको बचाता नहीं है, बचाता नहीं है। तो ये और भी बहुत सारा के तरीके हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहती हूँ। एक टर्म होती है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एक लेवल होता है जो कि जब हम ये इंसेक्टिसाइड्स और बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं जो हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उसको हमें लेने के लिए हमें पहले एक लिमिट निकालनी होती है। लिमिट हमको ये देखना पड़ता है कि लोकस्ट की पॉपुलेशन उस लेवल के अगर ऊपर है तो ही हम बहुत ऐसे वाले प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, अगर उस लेवल के नीचे है तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो केमिकल्स और ये ढेर सारे इतने सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हार्मफुल हैं वो उनको हम नहीं करते हैं, एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। तो लोकस्ट का जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो माना जाता है एक स्क्वायर किलोमीटर में अगर 10,000 लोकस्ट हैं तो हमें मेजर्स लेना शुरू कर देना चाहिए, ये माना जाता है। तो जब थालियां बजाते हैं, उन्होंने तो अपने खेत से दूसरे खेत में भेज दिए, बट लोकस्ट को कैसे कंट्रोल करें? तो लोकस्ट को कंट्रोल है मेनली अगेन इंसेक्टिसाइड्स। अभी तक इंसेक्टिसाइड्स इज द मेन कंट्रोल जब स्वाम आता है, क्योंकि स्वाम को हमें इमीडिएट कंट्रोल करना है, इंस्टेंट कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमको यूज करने पड़ते हैं इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड्स फार्मर अपने खेत में छिड़केगा तो बहुत लिमिटेड एरिया है, तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े उपकरण होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उनके नीचे मोटराइज्ड रोटर लगे होते हैं जिनसे पूरे खेतों में छिड़काव होता है, और तरह तरह के ट्रक्स होते हैं, स्प्रेयर्स होते हैं जिनसे कि अल्ट्रा लो वॉल्यूम काइंड ऑफ स्प्रेस निकलते हैं, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट वेरी हाई, सो दैट दोज आर नॉट हार्मफुल टू अस एंड टू एनवायरमेंट, बट दे आर हार्मफुल टू लोकस्ट। सो बहुत तरह के यूज होते हैं, और इसमें पहले जो इंसेक्टिसाइड यूज होते थे BHC, डाइक्लोरबॉस और बहुत तरह की, लेकिन उसमें से कुछ इंसेक्टिसाइड्स अब बैन है, जो मेनली इस साल गवर्नमेंट ने हमें यूज करने को बोला है कि जो सेफ है वो है मेलाथियॉन और अभी तक क्लोरपाइरिफॉस, डेल्टामेथ्रिन भी कहते हैं, बट मेन ये दो यूज हो रहे हैं, मेलाथियॉन और क्लोरपाइरिफॉस। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, बहुत तरह के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ऑर्गेनोक्लोरिन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स, सो दीज आर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो कि उनके नर्वस सिस्टम को अटैक करती है, वो उनके कॉन्टैक्ट, दीज आर दी इंसेक्टिसाइड्स जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं, तो जब उनके ऊपर गिरता है लोकस्ट के ऊपर तो उनकी स्किन के थ्रू वो उनकी बॉडी में जाती है और उनके नर्वस सिस्टम को अटैक करती है कि उनकी जो नर्व ट्रांसमिशन है, नर्व ट्रांसमिशन रिपीटेड हो जाती है, रिपीटेड मीन्स उसको प्रॉपरली रुकता नहीं है ट्रांसमिशन, और चलता जाता है, जिससे कि इंसेक्ट पैरालाइज हो जाते हैं और मर जाते हैं। बट दीज आर अगेन नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि ये हार्मफुल है, वैसे सॉल्यूशन है टिड्डियों को मारने का, बट वैसे बहुत
हार्मफुल है। और जो फार्मर्स करते हैं, जो फार्मर्स बिफोर द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन और स्प्रे होते हैं हेलीकॉप्टर पे, लार्ज स्केल पे, उससे पहले फार्मर्स अपने लेवल पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो एक कंट्रोल है, जैसे शुरू में हमने डिस्कस किया था कि जब फीमेल अंडे देती है तो 10 सेंटीमीटर नीचे जाके अंडे देती है तो ऊपर से कवर होती है। तो अगर फार्मर्स अपने खेतों को ढंग से गुड़ाई करें, प्लोइंग करें, गहरी खुदाई करें, ट्रैक्टर चला दें, तो वो अंडे मर जाते हैं। और अंडे अगर मर जाएंगे तो ऑफकोर्स पॉपुलेशन नहीं आएगी। दूसरा, खेतों के चारों तरफ खाइयां खोद देते हैं, ट्रेंचेस। खाइयां खोदते हैं तो जब लोकस्ट चलते हैं, जब लोकस्ट एक खेत से दूसरे खेत को जाते हैं तो वो मार्च करते हैं बैंड में, एक के पीछे एक ऐसे मार्च करते हुए चलते हैं। तो जब वो मार्च करते हैं तो उस खाइयों में गिर जाते हैं। जब खाइयों में गिर जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर गिरते जाते हैं और वेट से मर जाते हैं। जो नीचे वाले लोकस्ट हैं वो ऊपर वालों के वेट से मर जाते हैं। कुछ पेड़ हैं जिनपे बहुत ज्यादा अटैक होता है, जैसे मैंगो एक्सेट्रा, तो उसके चारों तरफ वो कई बार स्टिकी बैंड्स लगा देते हैं पेड़ों के चारों तरफ कि लोकस्ट ऊपर ना चढ़ पाए, और वो स्टिकी बैंड्स लगा देते हैं। बट लोकस्ट में फ्लाइंग पावर है, सो दे कैन फ्लाई ऑब्वियसली एंड दे कैन रीच, बट इस तरह से थोड़ा सा लेवल उनका कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी उनमें केरोसिन और इस तरह से डाल के ट्रेंचेस, जब ट्रेंचेस में गिर जाते हैं जो कुछ तो वेट से मर जाते हैं, बाकी के ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं, कुछ केरोसिन डाल देते हैं। तो फार्मर्स अपने लेवल पे कंट्रोल करने की काफी कोशिश करते हैं, बट जब कंट्रोल नहीं आता है तब फिर ये मेजर मेजर्स लिए जाते हैं कि हेलीकॉप्टर से स्प्रे किया, ट्रैक्टर से स्प्रे किया, और उस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जो बेसिकली लोकस्ट का यही है कि लोकस्ट जब अटैक आता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। मतलब ये नहीं कह सकते कि हम ये मेजर्स लेके वी कैन कंट्रोल देम। कंट्रोल हमें उनके ब्रीडिंग लेवल पे करना चाहिए। जब एक बार स्वाम का अटैक आ गया इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट स्वाम, बिकॉज दैट स्वाम, और जब भी स्वाम आता है तो हमेशा खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए क्योंकि सारे घर में घुस जाएंगे, आपके लिए खड़े रहने तक की जगह नहीं होगी। बैठना तो दूर की बात है, खाना पीना कुछ नहीं हो सकता, सब बंद हो जाता है। सो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट लोकस्ट, और इसमें बताने को बहुत कुछ है लेकिन दिस इज द बेसिक आइडिया। तो अगर इस पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए प्लीज। एक पिक में दिखाया गया था मैप में कि छोटे छोटे ग्रुप्स में गिगेरियस फॉर्म में वो घूमते हैं, तो मैम आई थॉट कि एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा। तो बेसिकली हमें उनके प्रेडेटर्स को कोई क्वेश्चन नहीं है, एनी क्वेश्चन? हेलो हाँ आप मुझे बताइए सर, कैन यू हियर मी? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, मैम शायद सुन नहीं पा रही। हेलो, एनी क्वेश्चंस प्लीज? लिख दो, अच्छा, ओके सर। देवादित्य हो? सर चैट में पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा कैसे लिखो? हेलो, बोलो बोलो, हेलो 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 Can you hear? Hello. Hello, ma'am. Yes, ma'am. मुझे लगता है कि क्वेश्चन लिख के दीजिए क्योंकि मैम सुन नहीं पा रही है। Okay, okay, sir. बेटा देखिए ना क्वेश्चन दे। Hello, good evening, ma'am. Hello, let me answer. Hello. नहीं वो आपने मैप में कहा ना कि मैप में छोटा है मैप में वो छोटा आपको नजर आ रहा है बट एक्चुअली तो मैप में वो छोटा नहीं है ना, छोटे छोटे सर्कल्स हैं, बट वो ग्रुप्स तो बड़े ही हैं।
अच्छा नहीं, आई थॉट कि एक ग्रुप होगा और एक एक ही मैम स्लाइड नंबर तो नहीं पता, बट सारे होते हैं। नहीं नहीं, इट्स नॉट अ सिंगल स्वाम, क्योंकि स्वाम तो अफ्रीका से इंडिया आ रहा है, एक स्वाम नहीं है, एक स्वाम नहीं है, एक स्वाम आता है चला जाता है, दूसरा स्वाम भी आ सकता है, वो तो ऐसा नहीं है कि एक बार एक स्वाम आके निकल गया, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, मतलब देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब बहुत सारे स्वाम ग्रुप्स में होते हैं और एक साथ वो यूज में आते हैं, कुछ में यस, कुछ में कम इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कुछ में ज्यादा इंडिविजुअल्स, वहां तो ब्रीडिंग चलती जा रही है ना और वो उड़ते जा रहे हैं। आपने बोला मैम शोर मचाने से वो मूव कर जाता है, तो शोर मचाने से उनपे क्या होता है जिससे वो मूव कर जाते हैं? शोर उनसे टॉलरेट नहीं होता, बेसिकली वो इतने शोर के लेवल को वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना हर एक साउंड की डेसिबल होती है जो वो टॉलरेट कर सकते हैं, सो इट इरिटेट्स देम, इट इरिटेट्स देम, तो वो इरिटेट होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भाग जाते हैं। तो मैम वो अच्छा जो डायरेक्शन जहाँ से बज रहा है उसके जस्ट अपोजिट ही कहीं चले जाते हैं, उनका डायरेक्शन एकदम ही बदल जाता है। हाँ, generally, yes, it diverts. Okay. तो फार्म अपने खेत को बचाने के लिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बराबर आ रहा है कि ओके या किड्डो को हम जो है किस तरह से बाय कंट्रोल कर सकते हैं, कोई कोई नेचुरल तरीका है जैसे बर्ड्स या कुछ और कि हमने बात करी है? अभी तक हमने जो सॉल्यूशंस की बात करी है वो है या तो एंथ्रोपोलॉजिक इंटरवेंशन या फिर आप इंसेक्टिसाइड ऐसा कुछ डालते हैं। Your voice is not clear, लिखा भी है कि कोई किड्डो का नेचुरल प्रेडेटर क्या है, अच्छा आर देयर एनी नेचुरल प्रेडेटर्स? नेचुरल प्रेडेटर्स मेनली उनके बर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं एंड डिफरेंट तरह के बर्ड्स हैं, तो जितने डेजर्ट में रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं सब लोकस्ट को खाते हैं, इनफैक्ट लोकस्ट को आदमी भी खाते हैं। Yes, ma'am, in China. माना जाता है उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, सो प्रेडेटर्स उनके बहुत सारे हैं मैम, लेकिन मेनली बर्ड्स माने जाते हैं कि अगर बर्ड्स को हम प्रोटेक्ट करके रखें तो we can be saved from a lot of locust attack. Ma'am, good evening, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, can I ask a question? Yes. Yes. From Chennai, ma'am. Ma'am, this is Dr. Jamal from Chennai. Yeah, please. Yeah, yeah. Hi, Jamal. Yeah. Ma'am, first of all, I want to congratulate you. Very good presentation, ma'am. One doubt, ma'am. Yeah, please. Like bird migration, this locust, does it go back to its own place or it continuously moves and it get dies? No, it doesn't continuously. It has a route. Yes, it has a route for breeding route. Jaise ki Pakistan se aate hain. Pakistan mein teen tarah ke breeding seasons maane jaate hain. Winter breeding bhi hoti hai unme, summer breeding bhi hoti hai. लेकिन जब हमारे यहाँ सिर्फ समर ब्रीडिंग होती है तो हमारे यहाँ जो लोकस्ट है वो सिर्फ मई टू जुलाई उस टाइम आते हैं, बाकी टाइम लोकस्ट हमारे यहाँ ब्रीड नहीं करते हैं। तो हमारी जो इंडिया में है, इंडिया में लोकस्ट मई जून में ब्रीडिंग होती है, बट वो कंटिन्यूस चलती है, लोकस्ट तो आएंगे ही, हमारे डेजर्ट में भी आएंगे लोकस्ट, बट वो क्या स्वाम में कन्वर्ट हो जाएंगे वो एक प्रॉब्लम है। मैम, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस ब्रीड मैम, व्हिच इट कम्स फ्रॉम अफ्रीका? आई टोल्ड we are having four kinds of the problem at present, this is Cystocerca gregaria, which is the desert locust. Okay ma'am, okay, which is yellow color, you have black stripes of that, it is yellowish in color. Okay, so main devastating pest is Cystocerca. Ma'am, one more doubt ma'am. Gregaria, ma'am, does all the stages comes or only adult it goes in travel, man? Only because adult. Others can't fly. Okay, ma'am. Because others can't fly, na? Jo nymph hote hain, they don't have wings. Okay, ma'am. So they move in bands. Wo march karte hain, wo zameen pe chalte hain. Okay. Aur jo adults hain, because they have wings, they can fly. So if we control them at the nymphal level when they are marching, it is very good. We don't let them convert into adults. Okay, ma'am.
ma'am, one more thing, ma'am. Here in Tamil Nadu, we have listened sleeper cells. Like sleeper cells, some of the locusts used to come to the other fields and see whether the situation is right, and then they travel. Few of them travel, and then they travel the other routes. They show the other routes. Is it real, ma'am? See, basically, all the organisms, especially insects, they have a pheromone system. Yes, so pheromones, which is an indicator. Yes. So if, for example, जैसे honeybees में भी आपने सुना होगा कि वो एक जगह जाके पहले flower देखते हैं whether it is good or not. So similarly, they can find out whether there is any possibility for attack. So they have a pheromone system which is judged by the other locust, and accordingly they can attack. Very good presentation. Thank you. Ma'am, good evening, ma'am. Well, yeah, please. Ma'am, I'm here from Chennai. Yeah, hi, Sundariya. Yeah, ma'am, I have a doubt. Like, what are the kinds of plants which are attacked by these locusts? Like, is it specifically rice or wheat variety? What are the variety of? No. It is not specifically rice or wheat. They can attack many kinds of plants, even mango. Abhi to mango pe itna attack hua hai, oranges, all kinds of plants, and very few plants kahe jaate hai because they don't attack. Especially kehte hai ki neem pe they don't attack, and few plants only. Otherwise, they are polyphagous. Polyphagous means they can eat upon any kind of plant, any kind of material. Then why can't we use a biopesticide in that case? आपने बोला कि नीम पेड़ में biopesticides, yeah, biopesticides have been tried. Even maybe some protozoans have been tried. There is a biological control. There is a protozoa Nosema locustae एक protozoa है. उससे भी pesticides बने हैं. कुछ fungus हैं जिनसे pesticide बने हैं. और biocontrol agents हैं जिससे बने हैं. But those are वेरी लॉन्ग टर्म. लाइक अगर हम डालेंगे तो वो उसको इफेक्टिव होने में, बिकॉज उनके अंदर जो लाइव एजेंट्स हैं दे हैव टू मल्टीप्लाई. तो ऑल दो दे आर नॉट वेरी वेरी हार्मफुल टू अस, बट उनसे जो अटैक को कंट्रोल करना है इट बिकम्स वेरी टफ. सो इतना जब जोर का स्वाम आता है तो उस टाइम हमें कोई इमीजिएट एक्शन चाहिए. And unfortunately, that immediate action is only chemical insecticide, synthetic chemical insecticide at present. और मैम एक और क्वेश्चन है, आर देयर एनी म्यूटेशंस पॉसिबल? लाइक उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये म्यूटेट हो जाए? सिर्फ म्यूटेट तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है. म्यूटेट तो एक फिनोमिना है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में. ऑफ कोर्स दे कैन म्यूटेट, बट ये जो फिनोमिना है सॉलिटरी टू ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस टू सॉलिटरी, दे बिकम ग्रेगेरियस, दे अगेन बिकम सॉलिटरी, दिस इज नॉट म्यूटेशन. दिस इज देयर इंस्टिंक्ट बिहेवियर. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, this is Kajal. Hello. Hi, Kajal. Yeah, Kajal. It was great listening to you after so long. Yeah, ma'am. My question is, you mentioned that there are some environmental factors that transition the solitary locust into the gregarious one. So there must be some environmental factors that again transition them back to solitary ones, probably. This is all. This is all climate controlled. Okay. Yeah, this is all climate controlled because their breeding. See, insect breeding is all controlled by temperature and humidity. They have an optimum temperature, optimum humidity, जिस पे उनकी optimum development होती है. लेकिन अगर वो optimum conditions उन्हें नहीं मिलती है तो नहीं develop होते हैं. और optimum conditions एक large level पे मिल जाती है तो वो ज़्यादा develop हो जाते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जो ड्राउट्स होते हैं उस टाइम इतने डेवलप नहीं हो पाते, दे कम टुगेदर फॉर फूड. लेकिन जब रेनी सीजन आता है तो उनमें इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाती है दैट दे हैव टू फ्लाई अवे फॉर सर्चिंग इन फूड, टू सर्च द फूड. ओके, सो बट इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन कंट्री आल्सो वी विल फाइंड बोथ द फेजेस, लाइक सॉलिटरी वंस एज वेल एज ग्रेगेरियस वंस. Or it will be like the transition is such that it will just stay in a particular phase and then go back to generally, the other. Yeah, generally they are solitary. Generally they are solitary like grasshoppers. But depends on the environmental circumstances, they turn into gregarious. Okay. Thank you, ma'am. And they pass through an intermediate phase, which I told you. This is a transient phase. So, जब कोई transient phase भी होता है, जो कि उन environmental conditions के time it changes into gregarious phase.
ओके मैम, थैंक यू. मैम मैं गौतम बोल रहा हूँ, मेरे को आपसे मैं गौतम बोल रहा हूँ. हाँ जी. आप एक बार और ये रिपीट कर देंगी क्या कि अगर हमारे खेत में टिड्डियों का अटैक हुआ है तो हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो फार्मर्स होते हैं वो लेते हैं मेजर्स, जो मैंने बताया था आजकल ले भी रहे हैं, कि बहुत जोर जोर से साउंड क्रिएट करना. साउंड क्रिएट करना, थाली बजाना, नगाड़े बजाना, इवन डीजे बजा रहे हैं फार्मर्स, वो जो है उनको रिपेल कर देते हैं उस खेत से. राइट. साउंड इतनी तेज होती है कि द लोकस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनके खेत से डाइवर्ट हो जाते हैं. बट देन अदर फार्मर्स हैव टू टेक दैट एक्शन. सो फार्मर्स अपने खेत को तो बचा लेते हैं बट वो दूसरे खेत पे चले जाते हैं. दूसरा मैंने ये बोला था कि क्योंकि जब वो आते हैं तो एक होता है, एक रात को मैंने आपको बताया था वो पेड़ पे सोते हैं, दिन में सिर्फ अटैक करते हैं. तो रात के टाइम जो फार्मर्स हैं वो पेड़ों को जला देते हैं, तो उसके साथ उस टाइम लोकस्ट इतने इनएक्टिव होते हैं, दे डो नॉट हैव वेरी हाई फ्लाइंग पावर, तो लोकस्ट भी बर्न हो जाते हैं. फ्लेम थ्रोअर्स होते हैं, उनसे लोकस्ट जला देते हैं. तीसरा जो मैंने आपको बताया वो था कि ट्रेंचेस, कि खेतों के आसपास ट्रेंचेस, खाइयां खोद देते हैं. तो उसमें क्या होता है, जो जो फ्लाई नहीं कर सकते, जैसे निम्फ्स हैं जिनको हम हॉपर्स बोलते हैं, तो निम्फ बैंड में चलते हैं, एक मार्च करते हुए चलते हैं. सो व्हेन दे मार्चिंग इन अ बैंड, वो उन खाइयों में गिर जाते हैं. तो जब वो खाइयों में गिर जाते हैं तो एक दूसरे की वेट से ही दे डाइव. राइट. एक मैंने आपको बताया था स्टिकी बैंड्स, वो लोग क्या करते हैं जब एक खेत से दूसरे खेत में आ रहे हैं तो वो स्टिकी बैंड्स लगा देते हैं चारों तरफ. एक बैंड एक पक्का सा होता है, उसमें उसको स्टिकी मटेरियल लगा देते हैं. सो व्हेन दे आर मार्चिंग अपॉन दैट चिपक जाते हैं एंड देन देते हैं. सो देर आर वेरियस मेथड्स द फार्मर्स आर यूजिंग. बहुत लोग स्केयर क्रोज भी यूज करते हैं बिकॉज दे थिंक दे आर लाइक बर्ड्स ना आ जाएं. तो अगर बर्ड्स हों या कुछ ऐसे प्रिडेटर्स हों जो उनको अटैक करें, इट विल बी वेरी गुड. बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि उस टाइम हम बर्ड्स कहाँ से खेतों में छोड़ेंगे, तो एक मुश्किल हो जाता है. बाकी तो फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड्स ही हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव बचता है. मैम ये एक तो स्टिकी बैंड क्या होता है, आप ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. और दूसरा, मैं जैसलमेर के कुछ किसान हैं उनसे मैंने संपर्क किया था, जैसलमेर के कुछ किसान हैं उनसे मैंने संपर्क किया था तो वो ये बोले, जैसलमेर के कुछ किसान हैं मैंने उनसे संपर्क किया था तो वो ये बोल रहे थे कि ये जीवामृत और नीम का पानी मिला के इसको अगर आप स्प्रे करें तो वो टिड्डी जो है वो पेड़ नहीं खाएंगे. यस, मैंने वही बोला ना, नीम पे अटैक नहीं करते हैं. तो नीम में एज अ डायरेक्टिन, देखिए नीम में दो तीन केमिकल्स होते हैं, एक एज अ डायरेक्टिन होता है और एक उसमें एक स्मेल जो आती है नीम में, वो उसका एक मिलियनट्रियोल करके केमिकल होता है, उसकी वजह से स्मेल आती है. तो वो नीम अगेन वो रिपेलेंट है, दैट विल नॉट किल. राइट. सो इट इज अ रिपेलेंट विच कैन रिपेल द लोकस्ट. यस, नीम है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे एक्सट्रैक्ट बनाए जा रहे हैं. यूकेलिप्टस का एक्सट्रैक्ट यूज हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं साइंटिस्ट कोशिश, लेकिन अगेन दैट इज अ रिपेलेंट. सो वी आर साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू लुक फॉर अ साइडल मेजर्स जो उनको किल कर सके. ठीक है. और ये स्टिकी बैंड क्या होते हैं? तरफ डाइवर्ट हो जाए. ठीक है. ये जैसे कपड़ा होता है, लंबे कपड़े होते हैं, वो उनको खेतों के चारों तरफ बिछा देते हैं. जैसे बाड़ लगाते हैं ना, कांटे की जैसे बाड़ लगती है चारों तरफ, उस तरह से कपड़े बिछाते हैं चारों तरफ. तो लोकस जो फ्लाई नहीं कर पाते वो तो चल के आएंगे ना. तो हेलो, सुन पा रहे हो? आवाज नहीं आ रही है. आपकी आवाज नहीं आ रही है. मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है.
इधर तो ऑन है, अब आ रही है मैम। हाँ जी, आपको स्टिकी बैंड के बारे में बता रहे थे। स्टिकी बैंड एक तरह के कपड़े के स्ट्रिप्स होती हैं, कपड़े की स्ट्रिप्स होती हैं। आपने कभी रैट का स्टिकी बैंड देखा है? हाँ, तो स्टिकी एक तरह का मटेरियल आता है, ऐसे कपड़े की लंबी लंबी स्ट्रिप्स होती हैं, उस पे वो स्टिकी मटेरियल लगा होता है या लगा सकते हैं। तो जब वो हॉपर्स मार्चिंग करते हुए एक फील्ड से दूसरे फील्ड की तरफ जा रहे हैं या चल रहे हैं, तो उस पे चिपक जाते हैं, वो आगे मूव ही नहीं कर पाते, और उस टाइम उनको फार्मर्स मार देते हैं। ये कुछ उड़ने वाले बाकी तो झाड़ू बैट इनसे ले लेके मारते हैं टिड्डे। उड़ने वालों के लिए भी कुछ स्टिकी बैंड यूज हो सकते हैं क्या? नहीं, उड़ने वालों के लिए इट इज वेरी टफ। नहीं नहीं, हवा में कैसे लगाओगे? ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो मैम, या हेलो, हाय रोहित। हेलो मैम, ये अभी ये जो टिड्डिया है वो इंडिया से उड़कर वापस अफ्रीका जाएंगी कि कोई और रूट पकड़ेंगी? नहीं, अभी तो यही है कि वो अफ्रीका की तरफ जाएंगी वापस अपनी जगह पे, और अभी इनफैक्ट पहले ही चली जानी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू एफएओ, लेकिन हमारे अम्फान ने सब गड़बड़ कर दिया, और अब तो यही सुन रहे हैं कि वापस चली जाएंगी जल्दी। और ये जो उनमें जो सेरोटोनिन का जो तूफान आ जाता है उनमें, वो किस वक्त तक चलता है, मतलब किस दौरे उनका दौरा क्या रहता है? एडल्ट्स में होता है, सिर्फ एडल्ट्स में होता है, ये तब होता है जब बहुत सूखा पड़ा हो, तो कुछ वक्त के बाद वो खत्म हो जाएगा उनके अंदर सेरोटोनिन। और कुछ नहीं, तो जब सेरोटोनिन बंद हो जाता है तो डिफरेंट हो जाता है। बट ये एक माना गया है, नेचर में आप पढ़िएगा, एक पेपर पब्लिश हुआ था 2001 में शायद, या 2009 में भी फिर आया था, तो उसमें ये था कि सेरोटोनिन जो है इट इज द मेजर फैक्टर जो उसको सॉलिटरी को ब्रेस्ट कर रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम। मैम वन मोर क्वेश्चन। यस मैम, कुड यू एक्सप्लेन द कोविड इफेक्ट ऑन दिस? कोविड का ऐसे कोई इफेक्ट नहीं है, कोविड का ये इफेक्ट है कि हम लॉकडाउन में है सब, तो लॉकडाउन की वजह से जो नॉर्मल स्प्रेइंग चलती है फील्ड्स पे और ये सब चलता है, वो सब बंद पड़ा है। ओके मैम, मैम थैंक यू, मौका मिल गया मल्टीप्लिकेशन का फर्दर। यस मैम, थैंक यू सो मच, इट्स वेरी इंटरेक्टिव, थैंक यू। Hello, ma'am. This is Abhinav from Rajasthan, ma'am. Ajmer. Yes, Abhinav. Yes. Ma'am, I just wanted to ask something. मैं 5 दिन से इन locusts का एक बार data देख रहा था. Not exactly, but could notice कर रहा था, ma'am. अगर ये locusts किसी एक area से आगे बढ़ चुके हैं और आगे in case rainfall है या कुछ और conditions है, तो क्या ये फिर से back off करते हैं? I mean, फिर से किसी और position पे जाते हैं? वापस उसी जगह पे? कर सकते हैं, जनरली जाते नहीं है कि वापस उसी जगह पे आ जाएं। अगर जैसे कहते हैं दिल्ली को क्रॉस करके निकल गए, तो वापस दिल्ली पे अटैक करना इट इज वेरी रेयर। हेलो मैम, मैम मैं अंशुल बोल रहा हूँ, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी अंशुल बोलो। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जब आप बता रहे थे आप अटैक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स के नाम, तो मैंने पहला वाला का नाम नहीं सुनाई दिया। पहला था आउटब्रेक। अच्छा, आउटब्रेक इज फिर सर्च, देन इट इज ब्रेक। हाँ, और एक और क्वेश्चन था, आपने बोला कि ये लोकस्ट शायद साइक्लोन की हवा की वजह से असिस्ट होके आया इंडिया, ना? नहीं, इंडिया तो आते ही हैं, इंडिया तो नहीं, पर आपने ये, बट ये था, सुनो सुनो, ये था कि माना जा रहा है कि उनको गुजरात से वापस चले जाना चाहिए था, अरेबियन कंट्रीज और चले जाना चाहिए, बट वो वापस नहीं, जो उनको खींच के लाए इधर, वो बंगाल की। मेरा क्वेश्चन ये था क्योंकि बंगाल से साइक्लोन नॉर्थ
वेस्ट की तरफ जाएगा ना हवा है, वो नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा थोड़ा खींचेगा, मतलब इस साइड को खींचेगा। नहीं मतलब साइक्लोन बंगाल की तरफ से वेस्ट ऐसे कोस्ट पे आया ना, वेस्ट की तरफ होते हुए अच्छा आपकी आवाज थोड़ी सी अनक्लियर हो गई। हाँ आप ठीक, मैं कहती हूँ साइंटिस्ट ऐसा मान रहे हैं। अब अच्छा। इसमें कितना हम कहें कि फैक्ट है और सच्चाई है, ये एक एक माना जा रहा है। नहीं नहीं क्योंकि मैं ज्योग्राफी स्टूडेंट है तो मैं उस तरफ रिलेट करने की कोशिश कर रहा था। नहीं आई अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी गुड कि आपने कुछ रिलेट किया अपने सब्जेक्ट से, इट्स गुड। थैंक यू मैम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। या वेलकम मैम, क्या ऐसे कोई वायरसेस अभी क्रिएट किए गए हैं जो सिर्फ स्पेसिफिकली लोकस्ट को अफेक्ट करें और इसके कारण इनका ये जो एक्सट्रीम पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसे खत्म किया जा सके? क्या चीज बना है मैम, ऐसे कोई वायरसेस हैं क्या हमारे पास? ऐसे कोई, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। वायरसेस वायरसेस तो इंसेक्ट्स के अगेंस्ट बनते रहते हैं, बट वायरस इज नॉट, मैंने अगेन वही बताया, जैसे वायरस है, बीच में एनपीवी आया था और जीपीवी आया था, जीआईवी आया था, कई तरह के वायरस ट्रायल्स होते हैं, बट दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बनाना और फील्ड में उनको मल्टीप्लाई करना, छोड़ना, इट इज वेरी एक्सपेंसिव एज वेल एज वेरी लेंथी प्रोसेस। एंड जब तक इतना लेंथी वो प्रोसेस हो जाता है कि वो तो सब तक खत्म कर करा के चला जाएगा। और जनरली जब वो नॉर्मल रह रहा है तब हम लोकस्ट को नहीं मारते हैं क्योंकि वो एक ऑर्गेनिज्म है, हम अपना इकोसिस्टम का बैलेंस खराब कर देंगे। राइट, किसी को और कुछ पूछना है? नेक्स्ट बार पूछ लेता मैं आपसे। हां जैसे जो स्लाइड था कि पहले एक देखा उसमें कि जो अपसर्ज है या जो प्लेग है पहले रेगुलरली हर साल आता था, ये 1970 के बाद से वो एकदम से बंद हो गया। राइट, तो उसका क्या कारण है कि पिछले 20 सालों में ये एकदम से बिल्कुल बंद था? क्योंकि क्या समझ में आता है कोविड की वजह से? हाँ, ये जनरली यही माना जा रहा है कि प्रेडेटर्स बहुत वहां एक्टिव थे। हेलो हाँ पढ़ना। हाँ मैम, मैम दो सवाल थे मेरे। पहला सवाल तो ये था कि जो इनका सेरोटोनिन है इट वर्क्स एज जनरल हार्मोन, मतलब फिजिकल टच से पास ऑन होता है, और इट कैन वर्क एज अ फेरोमोन आल्सो, लाइक एयर में भी ट्रांसमिट, फिजिकल टच, फिजिकल टच लेग्स की टच से, लेग्स की टच से, इट कैन नॉट बी पास्ड ऑन एज अ फेरोमोन। तो हम लोग कोई तो अगर ये फिजिकल टच से पास ऑन हो रहा है, कांट यू प्रोड्यूस एनी ब्लॉकर और समथिंग कि ताकि ये स्वॉर्म ना प्रोड्यूस हो? नहीं, इट कैन बी ऑफ कोर्स, साइंटिस्ट्स मस्ट बी वर्किंग ऑन इट, कि फेरोमोन ट्रैप्स भी होते हैं, कुछ हार्मोनल ट्रैप्स भी होते हैं, हार्मोन के लेवल को चेंज करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं जो उनकी जेएच और मोल्टिंग हार्मोन की एक्टिविटी को चेंज करते हैं, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, बट अगेन वो बहुत टेम्परेरी काइंड ऑफ और वो बहुत लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। Okay. या तो उनको शुरू से कंट्रोल इतना थ्रेशोल्ड से नीचे करके रखे। कई बार क्या होता है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना हमारा, ये जैसे देवादित्य ने क्वेश्चन पूछा, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना पिछले 20 साल से, गर्मी बढ़ रही है, कभी बारिश बेटाइम आ जाती है, कभी कुछ, सो दीज आर दी फैक्टर्स विच आर कॉजिंग दीज अपसर्जेस एंड प्लेग्स। ओके, लास्ट ईयर इतनी बारिश हुई है कि वो इतने बढ़ गए हैं।
अच्छा मैम एक इट माइट साउंड वेरी स्टूपिड क्वेश्चन बट जो स्वॉर्म आता है सो ये अफ्रीका से स्वॉर्म आ रहा है बट इट इज गोइंग थ्रू मल्टीपल डेजर्ट तो वहां की लोकल पॉपुलेशन भी इसमें ऐड होती है और इज इट जस्ट कमिंग फ्रॉम अफ्रीका एंड द प्योर नहीं बिल्कुल ऐड हो सकती है लोकल पॉपुलेशन लेकिन ये जनरली क्या होता है अपना कि जो एक ब्रीडिंग एक जगह हो रही है ब्रीडिंग के सीजन्स होते हैं लाइक अफ्रीका में एक पर्टिकुलर सीजन है अरेबियन कंट्रीज में एक पर्टिकुलर सीजन है तो उनका एक रूट होता है वो उस रूट पे हर साल चलते हैं so they settle at their route they breed there and then they move forward to the next country generally but वहाँ पर अगर कुछ होगा तो they will also join okay क्योंकि खाना तो सबको चाहिए ना अगर ये वहाँ का खाना खा जाएंगे then they will require food so they join it okay thank you ma'am अच्छा मैम मुझे एक चीज पूछना था hello sir एक मिनट मैं तो पूछ रहा हूँ तो मैं भी पूछ रहा था कि ऐसे सॉल्यूशंस देखा था मैं कि जो वाटरिंग ऑफ फील्ड करते हैं तो उससे उनके अंडे मर जाते हैं तो पर ये भी कि बारिश से वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती भी है तो ये समझ में आया कि ये दोनों वाटरिंग ऑफ फील्ड्स पे वाटरिंग ऑफ फील्ड्स से एग्स मरते हैं अच्छा क्योंकि वो सॉइल के नीचे हैं बाकी सब स्टेजेस सॉइल के ऊपर है तो जो ब्रीडिंग जो और एग्लेइंग जो होती है ना एग्लेइंग जनरली डेजर्ट्स में उन एरियाज में होती है जहां वेजिटेशन नहीं है लेकिन ये जो इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है और ये सब होती है कॉपुलेशन होती है जनरली उन एरियाज में होती है जहां वेजिटेशन है बिकॉज व्हेन द एग्स हैच इनटू निम्फ वो निम्फ क्रॉस करके जगह ढूंढते हैं जहां पर उनको खाना मिले सो प्लांट्स को ढूंढते हैं सो जनरली एगलिंग इज इन द एरिया तो इसलिए कहते हैं कि जब फार्मर्स को कोई भी सॉइल फार्मिंग स्टार्ट करनी है या कुछ करनी है तो अच्छे से प्लोइंग कर ले और अच्छे से गड्ढे खोद ले तो वो एग्स मर जाते हैं या इरिगेशन अच्छे से कर ले फील्ड को मैम मेरा ये क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए कोई भी चीज जहाँ पे पहले से रहती है या फिर नेचर में रहती है तो वहां नेचर उसको अपने हिसाब से बैलेंस्ड करती है तो जैसे ये अफ्रीका से जैसे मूव किया तो अफ्रीका में तो इंस्टेंटली एक बार में ही बहुत सारी पॉपुलेशंस इसकी घट गई तो इसके चलते अफ्रीका में भी तो इफेक्ट पड़ा होगा बाकी किसी स्पीशीज के नंबर बढ़े होंगे या फिर नहीं नहीं इफेक्ट तो हर चीज नहीं है मेन तो अफ्रीका में ही हुआ अफ्रीका में बहुत बारिश हुई उसी वजह से बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई और वो जब चली तो इतनी सारी पॉपुलेशन थी वो स्वाम में कन्वर्ट हो गया मैम आई हैव वन क्वेश्चन या मैम कोल्ड डेजर्ट में भी लोकस्ट होते हैं क्या जो कोल्ड कंट्रीज में अफेक्ट करते हो बहुत लो टेम्परेचर पे लोकस्ट सरवाइव नहीं करते हैं जनरली दे सरवाइव ड्यूरिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर लेकिन कोल्ड डेजर्ट्स जो बहुत लाइक जहां पर बहुत लो टेम्परेचर है वहां आपको नहीं मिलेंगे लोकस्ट एज फार एज आई नो या बिकॉज दे नीड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू डेवलप इवन हमारे यहाँ भी जैसे समर में ब्रीडिंग होती है अगर एगलिंग है तो विंटर्स में कई बार वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं डॉर्मेंट हो जाते हैं तो व्हेन प्रॉपर कंडीशंस अराइज दे स्टार्ट डेवलपिंग थैंक यू हेलो सरिता मैम हाँ राहुल हाँ जी मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था मुझे ये पूछना था कि जो जनरली जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं जो लोकस के ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं डू पीपल आर एबल टू लोकेट दोज एरियाज और दोज प्लेसेस वेयर दे कैन कंट्रोल डायरेक्टली बिकॉज इफ दे वांट ब्रीडिंग ग्राउंड्स ना फिक्स हैं इनके पता है कि ब्रीड कहाँ होते हैं तो ब्रीडिंग में मॉनिटरिंग करते हैं बट मॉनिटरिंग में क्या है कई तरह से मॉनिटरिंग होती है लोगों ने ट्राई भी किया सैटेलाइट मॉनिटरिंग हो सकती है बट सैटेलाइट वाला इतना इफेक्टिव नहीं हुआ तो कुछ लोग होते हैं जो पैदल ही चलते हैं मॉनिटर करते हैं कुछ हैं जो व्हीकल्स यूज करते हैं गाड़ियों से जा जा के मॉनिटर करते हैं तो मॉनिटरिंग तो होती है और वो मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड भी पूरा रखा जाता है कि एट प्रेजेंट कितनी पॉपुलेशन है क्या है एंड दे ऑफ कोर्स ट्राई टू कंट्रोल नहीं तो चार पांच साल नहीं हर साल आ जाए स्वाम कुछ ना किसी तरीके से तो दे ट्राई टू कंट्रोल बट अगेन इंसेक्टिसाइड्स ऐसे इजीली कभी भी यूज नहीं होते बिकॉज इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल टू लोकस्ट बट अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो व्हिच आर लिविंग देयर एंड प्लांट्स आल्सो
विच आर ग्रोइंग देयर. सो इंसेक्टिसाइड्स को यूज करने के लिए बहुत मुश्किल है. तभी मैंने बोला अगर नेचुरल प्रेडेटर्स हैं तो नेचुरल प्रेडेटर्स वैसे ही उनको चेक में रखते हैं. ओके मैम. एंड सेकंड मैम इज we know that they migrate so fast and their roots are being predicted. So people can or there are chemicals which can be used as a attractant so that they can be trapped to a certain area or these are used but it is very tough kyunki wo hawa mein ud rahe hai na to ye bahut mushkil hai ki ek area mein kyunki millions mein hai chhota sa swarm nahi hota hai. Okay ma'am, thank you ma'am. Very okay ma'am. Thank you so much ma'am. Welcome. Very nice talk. Hello yes कालूराम बोल रहा हूँ मैम, राजस्थान से. मैं बोल रहा हूँ मैम, अभी प्रेजेंट में हमारे कई लाखों की संख्या में टिड्डी है. हाँ जी. तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं उनको भगाने का या मतलब हमारी फसल को बचाने के लिए? देखो भगाने के लिए तो आजकल किसान शोर ही मचा रहे हैं, उसमें थालियां बजा रहे हैं, वो कर रहे हैं. बट बाकी तो उससे उड़ जाते हैं एक फार्म से दूसरे फार्म में. बहुत जोर जोर से नगाड़े बजाओ दिन के टाइम, रात के टाइम वो रेस्ट करते हैं पेड़ों पे, कुछ पेड़ों पे. तो उन पेड़ों को आप जला दो या कुछ कर दो तो भी फ्लेम थ्रोअर से तो भी काफी कंट्रोल में आ जाती है. बट अगेन दे विल मूव टू अनदर फील्ड. है ना, तरीका वही है, फाइनल तरीका वही है. कुछ कर नहीं सकते इसमें कि इंसेक्टिसाइड ही डालना पड़ेगा मारने के लिए. बट खेतों को बचाने के लिए हाँ, आप जरूर जोर जोर से शोर और वो मचा सकते हैं तो उसमें वो निकल जाते हैं. और बाकी गड्ढे खोद दिए खेत के आसपास जो मैंने बताया था, ट्रेंचेस चारों तरफ पे ट्रेंचेस खोद लें. हाँ, तो उसमें हॉपर्स जो है वो फिर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वो उसके अंदर गिरते जाएंगे. आप उसके अंदर गर्म पानी भर दो, उसके अंदर केरोसिन डाल दो तो वैसे ही. ठीक है, थैंक यू मैम. जो दोनों सक्सेस होते हैं क्या उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए अलग मेजर्स लेने पड़ते हैं या जो मेजर्स होते हैं वो सेम होते हैं दोनों केसेस में? कौन से दोनों? अपना आवाज नहीं आ रही आपकी मैम. मेरा कहना है लाइक जो हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मेल है और फीमेल दोनों ही है तो क्या दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक ही मेजर फॉलो किया जाता है या डिफरेंट मेजर होते हैं दोनों सक्सेस को कंट्रोल करने के लिए? अच्छा, मेल फीमेल. हाँ हाँ, सेम सेम, उसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं है. मैम फिर मैंने पढ़ा था कुछ दिनों पहले जब ये केस शुरू हुआ था, शायद मेटारिजियम जो है वो फंगाई जो है वो काफी इफेक्टिव था, तो क्या उसका यूज किया गया है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? वही मैंने आपको बताया ना कि कुछ फंगस है मेटारिजियम एनाइसोक्लिए, उसकी स्पीशीज है एनाइसोक्लिए, ये भी एक फंगस है जिससे फंजिसाइड्स मतलब उससे इंसेक्टिसाइड्स बने हैं. ऐसे ही प्रोटोजोअन से बने हैं नोसीमा लोकस्टे काफी इफेक्टिव था. ट्रायल्स तो होते हैं एंड दे आर इफेक्टिव ऑल्सो, बट उनका एक्शन बहुत लॉन्ग टर्म होता है और बहुत स्लो होता है. और फिर एक बार यूज हो गया वो तो लाइव है, फिर वो दोबारा मल्टीप्लाई करे. एक फंगस का आपने थोड़ा सा डाल दिया तो उसकी तो लाइफ खत्म हो गई ना, उसको मल्टीप्लाई करते रहना चाहिए. और फंगस में क्या है, फंगस हैज टू बी डायरेक्ट टच विद द इंसेक्ट. अगर वो इंसेक्ट को टच नहीं करेगा, उसकी बॉडी में नहीं जाएगा, तो फंगस इफेक्टिव नहीं है. कुछ इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो वाया फूड अंदर चले जाते हैं, तो कई बार क्या करते हैं हेलीकॉप्टर से भूसा डाल देते हैं जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड हो, कि जब लोकस्ट उन भूसे को खा रहे हैं जिसमें इंसेक्टिसाइड है तो मर जाते हैं, एज अ बेट यूज करते हैं. बाकी कुछ है जो कॉन्टैक्ट के थ्रू होते हैं. फंगस तभी इफेक्टिव जब वो कॉन्टैक्ट के थ्रू जाए, नहीं तो वो बेकार है. हाँ जी, एनीवन एल्स? लगता है कि मैम हमें वो सब कर लेना चाहिए. अच्छा वही है, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा. प्रतीक जी कुछ कह रहे हैं? यस प्रतीक, नहीं सुन पा रहे. हेलो. हाँ प्रतीक, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? प्रतीक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. हम फेरोमोन टाइप कोई आर्टिफिशियल केमिकल डेवलप नहीं कर सकते क्या?
कर सकते हैं. मैं अभी वही अपर्णा ने पूछा था, बहुत सारे इंसेक्ट्स के लिए यूज भी होता है, हाउस फ्लाई के लिए यूज होता है, कॉटन प्रेस के लिए यूज करते हैं, मस्का ल्योर, गॉसिप ल्योर, बहुत सारे यूज होते हैं. लोकस्ट के लिए भी ट्रायल्स तो हुए ही हैं, बट फेरोमोन ट्रैप्स कितने इफेक्टिव होंगे मिलियंस के लिए? एमएम कोई हम इनका मूवमेंट को हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक ही तरफ जाएंगे? इट इज प्रिडिक्टेड, पूरा प्रिडिक्टेड होता है, तभी पहले से वार्निंग आ जाती है कि लोकस्ट अटैक आने वाला है. इट इज प्रिडिक्टेड, बट समटाइम्स अगेन वेदर डिस्टर्बेंसेस हैं, कुछ भी हो जाता है, तो कई बार रूट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बट इट इज प्रिडिक्टेड. इट इज प्रिडिक्टेड बाय एफएओ, आप उनकी साइट पे देखो, हर रोज या हर दूसरे दिन एक वो मैप उसके ऊपर अपलोड करते हैं कि व्हाट इज द प्रिडिक्शन नाउ. थैंक यू मैम. वेलकम. एनीवन एल्स? मैम, हेलो मैम. हाय मनु. हेलो. हाँ मनु बोलो. हेलो. हाँ मनु बोल रहा हूँ मैम. हाँ मनु बोलो. ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ. हाँ मैम, इसके लिए कोई एंडोपैरासिटिक एंडोपैरासाइट्स अवेलेबल है जो इसके निम्फल स्टेजेस में इसको खत्म कर सकते हैं? इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि एंडोपैरासाइट्स इनको खत्म करें. छोटे छोटे हाइमेनोप्टरन्स होते हैं विच कैन बी यूज, बट अगेन डेजर्ट में जाके आप कैसे उसको एंडोपैरासाइट्स डेवलप करोगे? और पैरासाइट अगर एक डेवलप हो भी गया तो देट शुड बी यू नो ट्रांसमिसिबल टू द नेक्स्ट जनरेशन. वो ओवेरियन ट्रांसमिशन तो होता नहीं है एंडोपैरासाइट्स का, इट्स वेरी टफ. ओके थैंक यू मैम. या वेलकम. मैम वन मोर क्वेश्चन. हाँ जी. मैम क्या ये किसी भी तरीके से बायो इंडिकेटर स्पीशीज की तरीके से भी काम करते हैं क्या? बायो इंडिकेटर्स आप कह सकते हो कि क्लाइमेट के कर सकते हैं बायो इंडिकेटर्स, बट ज्यादा करके इनको एज बायो इंडिकेटर तो हम यूज नहीं करते हैं. हेलो कैन यू हियर? हां मैम सुन पा रहे हैं. और किसी को पूछना है तो फिर उसको हम यूज करते हैं. अभी एक लास्ट क्वेश्चन को लेकर पूछना चाहते हो. हेलो मैम, वन क्वेश्चन. यस मैम. यस. जैसे ये लोकल्स के कॉलोनी जो है वो मैक्सिमम कितने हाइट तक फ्लाई करती है? जैसे कॉलोनी कोई तो हाइट होगा अबव 10 वो नहीं फ्लो करते होंगे या फ्लाई नहीं करते होंगे? जनरली जो माना जाता है कि ग्लाइड करते हैं, फ्लाई कम करते हैं. जो माना जाता है कि ग्लाइड करते हैं, फ्लाई कम करते हैं. अच्छा ओके मैम. हम सोच रहे थे जैसे मान लीजिए अगर फ्लाई कर... नहीं नहीं, फ्लाई जो है ग्रास हॉपर्स और लोकस्ट बहुत ऊंचा तो फ्लाई नहीं कर पाते हैं. हेलो तो मैम हम लोग फिर सेशन लाभ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव था. लोकस पे इकोलॉजी पे शायद ही मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही किसी ने बात की होगी, तो हम लोग किसी इस चीज से बात करते ही नहीं है. और थैंक यू. इतना बिजी मुझे पता है कि आपका ये दिस इज योर थॉट है कि लोकस्ट पे करा जाए, तो इस बट आई नो कि आपको बहुत बिजी भी चल रही है, बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं और उसके बीच में टाइम निकाल के और नहीं नहीं मोस्ट अच्छा वेलकम. बच्चे आ गए सोचो एग्जाम टाइम में, तो दिस इज वेरी नाइस. या सो थैंक यू मैम एंड थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक्स टू यू आल्सो. थैंक्स एवरीवन फॉर सच एन इंटरएक्टिव सेशन. Sir, feedback form is not working, sir. So you can send an email. Hello. हमारे individual website पे चले जाइए and submit कर सकते हैं. वो chat में भेज के ही वो feedback form. Yeah, you can give feedback. I would like to have feedback. This is my first webinar. Yeah, ma'am, very good, very interactive presentation, ma'am. Very nice.
in this COVID situation, we have to discuss about these things. You know. Hello. Thank you very much. Thank you. Thank you. So you can send email to info@vindhyavachara.org. If you go to our website, vindhyavachara.org. Can you send us in our email address, sir? Yes, yes, I'm sending again. Because we are very slow type, sir. And please feedback दीजिएगा क्योंकि ये मेरा पहला टॉक था वेब पे. सर वो देखे ना info@vindhya. वो काम नहीं करता सर. info@vindhya.org वो वर्क नहीं करता. काम करेगा, काम करेगा. info@vindhya.org. एरर 404 बोल गया था 3 टाइम्स. स्पेलिंग चेक कीजिए. ईमेल बिल्कुल सही है. यस सर. Thank you. Okay, so yeah, please. Thank you, everyone. Closing this call there. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. आपको ईमेल भेजने के लिए कॉपी एंड सेंड इन ईमेल से ईमेल आईडी इंडिविजुअली वी हैव टू गिव द फीडबैक. यस यस यस, यू हैव टू सेंड ईमेल. थैंक यू सर. तुम्हारी सर. हेलो सर, हमें इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग हम लोग अपलोड करेंगे. आज ही कल भी यूट्यूब पे आ जाएगा. सर कहाँ पे? आप vindhyavachara.org वेबसाइट का हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके अपलोड हो जाएगी. ओके सर. सर कैन यू टाइप दैट चैनल क्योंकि थोड़ा ऑडिबल इतना क्लियर नहीं हो रहा. vindhyavachara.org वेबसाइट है, उसमें सारा चीज आपको मिल जाएगा. ठीक है सर. ओके, थैंक यू.